92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जीनत अमान और सलील चौधरी बर्थडे स्पेशल ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं अनु कपूर आपसे मुखातिब हूं और आप हैं मेरे अपने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों मेरे अपने, करोड़ों मेरे अपने। आप मुझसे जुड़े, मुझे प्यार दिया, उस आदमी को जिसने आपको फिल्मी दुनिया की कहानियां सुनाई। मेहरबान दोस्तों, कहानी अब किशोर कुमार और सलील चौधरी की। दादा सलील चौधरी फिल्म अन्नदाता के म्यूजिक पर काम कर रहे थे और एक गीत कंपोज किया, गुजर जाए दिन। इस गीत को कंपोज करते हुए वो सोच चुके थे कि उन्हें ये गीत किशोर से गवाना है। किशोर को बुलाया, धुन सुनाई, तो धुन सुनते सुनते किशोर पहले तो सीधे खड़े थे, फिर थोड़ी देर में दीवार के सहारे टिक गए और उसके बाद धीरे धीरे कुर्सी पर पसर गए। धुन खत्म होते होते अपना सर पकड़कर जमीन पर लेट गए। सलदा ने उनकी हरकत देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई। किशोर ने जवाब दिया, दादा गाना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। खैर, सलीलदार ने किशोर कुमार को हिम्मत बंधाई, म्यूजिक सेशन खत्म हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। अब आया अगला दिन, फिर मीटिंग हुई। मिलते ही किशोर कुमार ने सलीलदार से कहा कि दादा कल रात मैंने एक सपना देखा था। दादा ने पूछा, क्या सपना? किशोर ने कहा, दादा मैंने देखा कि आपकी धुन, आपकी कंपोजिशन मेरा पीछा कर रही है और मैं आपकी कंपोजिशन से जान बचाकर भाग रहा हूं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। और ये कहते हुए किशोर कुमार अपने अंदाज में वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सलील दा ने उन्हें पकड़ लिया और फिर भी किशोर कुमार उनसे छूटकर भागे। सलील दा ने अपनी छड़ी उठाई और किशोर कुमार को चेस करने लगे, जोर जोर से चिल्लाते हुए कि मैं तुझे भागने नहीं दूंगा और यह गाना तुझसे गवाकर ही दम लूंगा। उस दिन किशोर कुमार ने बहुत कोशिश की इस गाने से पीछा छुड़ाने की, मगर सलील चौधरी ने उनकी एक ना चलने दी। फाइनली घसीटते हुए लाए और यह गाना उन्हीं से गवाने में कामयाब हो गए। मैं आपको बता दूं कि किशोर कुमार इस गाने से इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने इस गाने के टेक पर टेक, टेक पर टेक दे डाले और अंत में ये गाना 18 टेक्स के बाद रिकॉर्ड हो पाया। फिल्म अन्नदाता के इस गाने को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये गाना अनिल धवन पर फिल्माया गया है। ये गाना वो साइकिल चलाकर गा रहे हैं, इसलिए किशोर कुमार ने इस गाने को एक बेंच पर बैठकर साइकिल चलाने का फील देते हुए रिकॉर्ड किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जीनत अमान और सलील चौधरी बर्थडे स्पेशल ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर।